हेलो बीटीसी दाना ट्रेडर्स, शुरुआत करते हैं शुक्रवार के पॉडकास्ट की विशाखा के साथ। जीएमटी 5:30 पर शुक्रवार के मार्केट अपडेट्स। 14 पर यूके के लिए अप्रैल में निर्माण पीएमआई, 18 पर यूएस के लिए अप्रैल में गैर कृषि पेरोल और अप्रैल में बेरोजगारी दर, 18 पर कनाडा के लिए अप्रैल में रोजगार परिवर्तन और 19:30 पर कनाडा के लिए अप्रैल में आईवी पीएमआई। आप जानते हैं कनाडा आईवी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्यों महत्वपूर्ण है। आईवी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स कनाडा में क्रय प्रबंधकों की गतिविधि स्तर को मापता है। 50 से ऊपर का पढ़ना विस्तार का संकेत देता है और 50 से नीचे का पढ़ना संकुचन का संकेत देता है। इंडेक्स कनाडा के परचेजिंग मैनेजमेंट एसोसिएशन और रिचर्ड आईवी स्कूल ऑफ बिजनेस की एक संयुक्त परियोजना है। व्यापारी इन सर्वेक्षणों को करीब से देखते हैं क्योंकि क्रय प्रबंधकों के पास आमतौर पर उनकी कंपनी के प्रदर्शन के बारे में डेटा तक जल्दी पहुंच हो जाती है, जो समग्र आर्थिक प्रदर्शन का एक प्रमुख संकेतक हो सकता है। अपेक्षा से अधिक पढ़ने पर सीएडी के लिए सकारात्मक या बुलिश के रूप में लिया जाना चाहिए, जबकि अपेक्षा से कम होने पर सीएडी के लिए नकारात्मक या मंदी के रूप में लिया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। तो अगर आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमसे जुड़ने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और साथ ही फॉलो कर सकते हैं हमारे ट्विटर पेज पर, जहां आपको मिलेगी ट्रेडिंग से जुड़ी हर जानकारी। सो गो एंड चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।